ओके अब देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे सामने एक शीट है सेल्स प्रोग्रेस और उसके अंदर हमें कुछ डेटा दिया गया है। डेटा में हमारे पास आइटम का नाम है, मंथ है, सेल्समैन लिखा हुआ है और प्राइस भी मौजूद है। अब हमें टास्क ये दिया गया है कि भाई ऐसा करो, ये सारे आइटम जो है वो यहाँ लिखे हुए हैं, तुम ये करो कि मैंगो लो और मैंगो के आगे जितनी उसकी सेल हुई है, जितनी बार जहाँ जहाँ मैंगो सेल होता जा रहा है हमें नहीं पता, जहाँ जहाँ भी मैंगो सेल हो रहा है उसके आगे की वैल्यूज को प्लस करो और यहाँ लिख दो। सिमिलरली एप्पल के साथ भी ऐसे ही करो, बनाना के साथ भी ऐसे ही करो, कंप्यूटर के साथ भी ऐसे ही करो। सिमिलरली फिर आप इसके साथ भी ऐसे ही करो कि जनवरी के महीने की कितनी सेल हुई है, तो ये कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ भी ऐसे ही निकलेगा कि जनवरी देखेंगे कहाँ कहाँ आ रहा है, जहाँ जहाँ जनवरी आ रहा होगा वहाँ पे उसकी वैल्यू लेते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे और जनवरी की वैल्यू सारी प्लस करके जनवरी के आगे, फरवरी की फरवरी के आगे, मार्च की मार्च के आगे, इस तरह सेल्समैन हफीज, अबरार अली, अफजाल, जिब्रान अली, इनके बारे में करना है तो इनकी भी देखते जाओ, टोटल करते जाओ और इनकी वैल्यूज को इनके सामने लिख दो ताकि डेटा को हम इंफॉर्मेशन में प्योरली कन्वर्ट कर सके। अब ये काम कैसे होगा? सबसे पहले ये काम करने के लिए आपके पास ये वाला डेटा होना चाहिए और ये इस तरह से शीट मौजूद होनी चाहिए। इसको करने के लिए आपने यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पर से चेक हटा लेना है, तो जैसे ही मर्ज एंड सेंटर से चेक हटाएंगे ये सीधा हो जाएगा। अब आपने इस वाले कॉलम को पूरा सेलेक्ट करना है, जैसे ही पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे पहली रो से लेके लास्ट रो तक तो उसके कॉलम पे क्लिक कर देंगे, फिर फॉर्मूला में जाके डिफाइन नेम में इसका एक नाम रख लेंगे, सपोज टू बी क्यू आइटम नेम, इसका नाम रख लेंगे क्यू मंथ, ठीक है, विदाउट स्पेस, विदाउट नंबर, स्टार्ट विद लेटर, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक फंक्शन लॉन्च करेंगे जो हमारा ये काम करेगा मैथ्स एंड ट्रिक्स में, और उसका नाम क्या है, समेफ, क्या नाम है, समेफ। जैसे समेफ क्लिक करेंगे तो पहले पूछ रहा है रेंज बताएं, ये जो आइटम है ये कौन से कॉलम में है, क्यू आइटम में या क्यू मंथ में, तो हमारी रेंज होगी क्यू आइटम नेम। इसको लिखने के बजाय मैं यहाँ से यूज इन फॉर्मूला में जाके सेलेक्ट कर लेता हूँ क्यू आइटम, ओके। क्राइटेरिया बताएं, क्राइटेरिया क्या चीज होती है, रेंज होता है कलेक्शन, क्राइटेरिया होती है जो उसके अंदर सर्च करना है, तो उसके अंदर क्या सर्च करना है, वेरी गुड, तो मैंगो के सेल का रेफरेंस दे देंगे जो कि है L6। अब L6 को सर्च करेगा इस पूरे में, तो सम किसको करना है, इसको, इसको, इसको या इसको, ठीक है, किसको सर्च करना है, प्राइस को, तो किस तरह करेंगे। अब इसका तरीका ये होगा कि मैंने इसका नाम तो रखा नहीं, तो वंस अगेन हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहां से डिफाइन नेम क्यू प्राइस और लिख के क्या करेंगे, ओके, क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ से जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे समिफ और यहाँ पे हम लेंगे रेंज, यहाँ पे हम लेंगे क्राइटेरिया, यहाँ पे हम लेंगे क्यू प्राइस, ओके, तो इसने टोटल करके दे दिया। और इतना ही नहीं, जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब का ही टोटल कर देगा, एप्पल का, बनाना का, कंप्यूटर का, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको इस टोटल की क्रॉस वेरिफिकेशन करनी है कि सही है गलत है, तो इसका आसान तरीका है कि यहाँ पे क्लिक करें, सम करें, क्या टोटल आया, 76, 93, 88, और इसका सम करें, इसका मतलब परफेक्ट डेटा है। दूसरी बात, अब आप जितना भी एंट्री करते जाएंगे ये ऑटो अपडेट होता जाएगा। इसकी एक मिसाल बता देता हूँ, मैंगो की एंट्री है 67474, अब हम एक और एंट्री मैंगो की करते हैं यहाँ पे जाके 101 के ऊपर, मैंगो जनवरी अबरार अली 5000, एंटर, और अब ऊपर जाके देख लें अपडेट हो गई। यही अपडेट नहीं होगी, अगर आपका फॉर्मूला इस पर भी लगा हुआ है तो यहाँ भी अपडेट हो जाएगी और यहाँ भी अपडेट हो जाएगी, बात समझ में आई। अब ये मैंने दो छोड़ दिए आपके लिए, ये आपने सॉल्व करना है, ठीक है, ये मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया है, ठीक है, क्लियर हो गई।